शेष जनपद गाजीपुर विधानसभा के सैदपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्यासागर सोनकर ने कई गांवों में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया तो उनके सामने लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, उन समस्याओं का निराकरण करने का वादा किया। क्या कुछ कहना था विद्यासागर सोनकर जी का, आइए देखिए खास रिपोर्ट। इस सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरा समस्याओं का अंबार है, कोई समस्याओं के बारे में गंभीरता से न तो चिंता की गई और न तो उसके समाधान के लिए कोई प्रयास हुआ। सिर्फ पूरे समय तक लूटपाट और जनप्रतिनिधि की उपेक्षा पूरी हर तरह दिख रही है, हर जगह दिख रही है। यहाँ के जो विधायक हैं उनका पूरा उपेक्षा सामने दिख रहा है। सरकार से लेकर विधायक तक इन लोगों ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि जिससे यहाँ के लोगों को ये लगे कि इनके लिए कुछ विकास का काम हुआ है। ये नदी किनारे का गाँव है, ये बिल्कुल सी उधर गंगा जी आती है, इधर से गोमती है और ये बहुत अधिक समय तक पानी में डूबा रहता है। यहाँ के लिए जितना इसके पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार में जो काम हुआ उसके बाद जितना विकास करना चाहिए था किसी ने नहीं किया और सारे मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है। इसको थोड़ा और इसके आगे प्रयास करके हमारा ये प्रयास होगा कि इस दिशा में आगे और काम बढ़ा करके सब जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं होंगी वह इन तक पहुंचे, उसको इनका उनको इसका लाभ मिले, ये हमारा प्रयास होगा। उत्तर प्रदेश में चार चार मुख्यमंत्री रहे उसके बावजूद भी जंगल राज है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज जब कोई लाइन आर्डर नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है, सारे विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और थाने में बलात्कार हो रहा है, सड़कों पर बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और व्यापारियों का अपहरण हो रहा है, किसानों के उनको खाद बीज नहीं मिल रहा है और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक तौर है कि ये मुख्यमंत्री होने से कोई थोड़ा काम हो जाएगा। गांव गरीब किसान की चिंता करने वाला आज अगर इस देश में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने गांव गरीब किसान की चिंता किया है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में गांव गरीब किसान के लिए चिंता करेगी, नौजवानों के रोजगार की चिंता करेगी, लड़कियों की शिक्षा की चिंता करेगी, लड़कियों के हर काम की चिंता करेगी, किसानों को कर्ज मिले और उसका ब्याज मुक्त कर्ज मिले, किसानों के कर्जे माफ हो, ये सारी चिंता, और हर घर में बिजली, हर घर में पेयजल, हर घर में उन सबको आवास मिले, सबको शौचालय मिले, सबको गैस कनेक्शन हो जाए सबके घर में। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।